अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें, कांग्रेस में तीन नामों पर चर्चा चल रही है। इसमें एक युवा कांग्रेस अध्यक्ष एकलव्य आहा के, उनका नाम चर्चा में है। जिला पंचायत सदस्य चंपालाल खुर्चे, उनके भी नाम की चर्चा है। इसके अलावा विनय भारती का नाम भी सामने आया है। अगले दो दिन में ये माना जा रहा है कि कांग्रेस नाम का ऐलान कर सकती है। भाजपा की तरफ से कमलेश शाह है, जिनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। कांग्रेस में रहते हुए जो चुनाव जीते थे और अब वो भाजपा नेता भी है और अमरवाड़ा से भाजपा के उम्मीदवार भी। इधर अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस से एक दूसरे पर सियासी वार कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी दल बदल का सौदा करती है फिर उम्मीदवार बना देती है। सूची क्या बीजेपी ने कौन सी सूची जारी कर दी? कांग्रेस ही है, दल बदलू है। भारतीय जनता पार्टी दल बदल का अपराध करवाती है और उसके बाद उसको उम्मीदवार बना देती, तो उनके तो सौदे का हिस्सा है ये उम्मीदवार बनाना। हमारा उम्मीदवार सामने आएगा और पटकनी देगा, ऐसे दल बदलू धोखेबाजों को जनता सबक सिखाएगी। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अमरवाड़ा सीट पर कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। नहीं चाहता, कमलनाथ नकुलनाथ दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, हार का ठीकड़ा किसके सिर फोड़े। जीतू पटवारी पहले ही 29-0 करा चुके हैं, अब वह चाहते हैं कि अमरवाड़ा उपचुनाव का ठीकड़ा उनके सिर नहीं फूटे, इसलिए वो कमलनाथ के सिर फोड़ना चाहते हैं और इसी पशुपेश में कांग्रेस उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रही। ऐसा लगता है शायद आखिरी में हो सकता है कांग्रेस किसी को समर्थन दे, क्योंकि स्थिति बड़ी विकट हो चली। कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है और आखिरी में मजबूरी में हो सकता है कांग्रेस किसी अन्य दल को, किसी अन्य पार्टी को समर्थन दे के और अपनी औपचारिकता निभाए, क्योंकि अभी तक तो कांग्रेस की स्थिति विकट है, उन्हें प्रत्यक्ष पा रहा है और ना कमलनाथ जी और नकुलनाथ दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।